करीब 1.5 महीने पहले 12 दिसंबर 2021 को पूर्वांचल की सियासत के कद्दावर नेता और बाहुबली हरिशंकर तिवारी का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। अखिलेश ने हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजे को पार्टी में शामिल कराया। इसी के साथ सपा की पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर किला दरकाने की भी सपा ने कोशिश की है। ये कोशिश है चिल्लूपार विधानसभा सीट के जरिए। 2007 में राजनीति से संन्यास लेने के बाद हरिशंकर तिवारी की विरासत छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी ने संभाली थी। वे 2017 में गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि गणेश शंकर पांडे बीएसपी की सरकार में विधान परिषद के सभापति बनाए गए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिशंकर तिवारी के पूरे परिवार को पिछले दिनों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब परिवार के सपा में शामिल होने के बाद बसपा के साथ साथ भाजपा की टेंशन भी बढ़नी लाजमी है। वैसे भी हरिशंकर तिवारी के परिवार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच टसल की खबरें यूपी में खूब चर्चा में रहती हैं। गोरखपुर जिले के दक्षिणी छोर पर चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे बाहुबली हरिशंकर तिवारी की पहचान ब्राह्मणों के एक बड़े नेता के तौर पर है। 80 के दशक में राजनीति में धनबल और बाहुबल के जनक के तौर पर स्थापित हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच स्थित तिवारी का हाता यहीं से प्रदेश की सियासत तय होती थी। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हरिशंकर तिवारी सब में मंत्री रहे। 1985 में हरिशंकर चिल्लूपार से विधायक बने। इसके बाद ये सीट तिवारी के नाम से ही जाने जाने लगी। वे 1989, 91, 93, 96 और 2002 में यहीं से जीते। इसी सीट के दम पर हरिशंकर राज्य के मंत्री बने, लेकिन 2007 के चुनाव में स्थानीय पत्रकार से नेता बने राजेश त्रिपाठी ने बीएसपी के टिकट पर लड़ते हुए उन्हें हरा दिया। राजेश 2012 में भी जीते, हालांकि 2017 के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतरे हरिशंकर के बेटे विनय शंकर ने पिता की प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर ली। उन्होंने यहां से जीत हासिल की। हरिशंकर तिवारी पर अब उम्र हावी हो गई है, लेकिन परिवार की अगली पीढ़ी राजनीति में जम चुकी है। बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं। दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार से वर्तमान विधायक हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे यूपी विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं। ऐसे में अब जब यह पूरा परिवार सपा में शामिल हो चुका है, तो चिल्लूपार के साथ साथ संत कबीर नगर और पूरे गोरखपुर जिले में ही सपा बीजेपी के किले में सेंध लगाने की सोच रही है। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में विनय शंकर तिवारी को जीत तो मिली थी, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट राजेश त्रिपाठी और उनके बीच जीत का अंतर सिर्फ 4000 वोट से भी कम का था। 28 जनवरी को बीजेपी की लिस्ट आई, जिसमें चिल्लूपार से एक बार फिर राजेश त्रिपाठी को ही टिकट मिला है। यानी पुरानी प्रतिद्वंदिता इस सीट पर जारी रहेगी और इस नाते मुकाबला भी रोचक रहेगा। फिर इस बार तो योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा पूरे जिले में एक माहौल तो बनेगा ही। ऐसे में रोचक चुनाव की पूरी गारंटी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।